बताए दे सबक और जब कबहू मिल जाए पा जाए बिचारे दुख सुख की बतलाए लेत पंड सुत महाराज बहुत दिन पे पता के काटे एक साल में रही थे 30 दिवस की। राजा कमंजन के यहाँ सरोता लोगो हेलो पांचों पांडव अपना समय पूर्ण कर चुके अज्ञातवाद के साथ। कितने दिन बाकी रह जाते कुल 33 दिन तब तक होनी बलवान होती है कार्तिक की ध्वज आ जाती है। सुदक्षिणा अपने भाई की ध्वज करने के लिए हस्ताल जाती लेकिन उस समय पर कोई काम लग गया नहीं पहुंच पाई। गोधन वाले दिन तक कीचक ने पेड़ो रखो स्वयं चल दिया अपनी बहन के यहाँ बैराटपुरी के लिए। उसकी बहन भी आई थी बैराटपुरी में पांचों पांडव व्यासी कहने से मौजूद थे। द्रौपदी की तलाश में कीचक घूम रहा था उसकी बहन के यहाँ मौजूद द्रौपदी और क्या जवाब दिया क्या दिया भैया लक्ष्मी नारायण नाम सवाई काम ले श्याम कल्याण सिंह है नाम बेरपुर है गाम। अरे बोल दो कौशला जयकारो सुदक्षिणा ने अपना भाई कीचक आते हुए देखा भारी खुशी हो गई कह के मैंने पहुंच पाई ध्वज करने को तो मेरा भैया स्वयं आ गया। क्या हुआ इधर क्या हुआ सरोता लोगो क्या हुआ अरे सुदक्षिणा ने अपना भाई आते हुए देखा भारी खुशी हो गई आवत देखो बृहत खुशी है गौ बात मलन को धाई भल्लई बिरन की जेठ महा हरसाई 50 रुपए का पुरस्कार बहादुर सिंह यादव जी कसवा चाटन की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देते हुए पार्टी हाथियों धन्यवाद देती है। भैया ऐसे ही वीर रे जनेगी बेताई हेलो हेलो सुदक्षिणा ने जवाब दिया क्या दिया अपने भाई से कोरिया भरी मिली आसन डाल के बैठा दिया उत्तम आसन डाल दियो बैठार बिरन बंधाई कंचन को लोटा हाल नीर भल्ले आई सवरण को थार मनाया भोजन के सजो सजायो भैया आगे परसायो पर मीठे बचन सुनायो अपने भाई से कह लगी भैया खाने के लिए खाइए। कीचक नाराज था सुन्न मुन्न बैठ गया खाने में चौक नहीं बोली कि हस्ता ध्वज करने के लिए जाती लेकिन अब के क्यों नहीं गई। अच्छा इस बात पर नाराज था और जवाब दिया क्या दिया
₹50 का पुरस्कार महिपाल सिंह यादव जी कस्बा चाटन की तरफ से ₹50 देते हैं, पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। और जवाब दिया हेलो, और ये ₹20 श्रीमान जी विवेक जी के निवासी, ये भी स्पेशल तौर से रूपी दे रहे, धन्यवाद। भैया चन्ना लाई रे छिपे बदरी में,